आज सबसे ज्यादा हंगामा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में हुआ है। सवाल यह है कि जब पुलिस को पहले से पता था कि हंगामा हो सकता है, हमने कल इसी वक्त आपके सामने ये स्टोरी रखी थी कि पुलिस कैसे तैयारी कर रही है, कैसे ड्रोन से हर जगह नजर रखे हुए, तो फिर ये दंगा कैसे भड़का, रिपोर्ट देखिए। गलत बात है, पुलिस भी पहले से तैयार थी, इसीलिए तैनात थी, क्योंकि आशंका थी कि जुमे को हंगामा हो सकता है। प्रयागराज की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज हुई, उसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी एक गली में जमा हो गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी और उसी के अंदर प्रदर्शन चल भी रहा था। पुलिस के सामने लगातार नारेबाजी हो रही थी। साफ दिख रहा था कि पुलिस के सारे दावे और तैयारियां फेल हो गई हैं, क्योंकि अब तो हंगामा शुरू हो गया था। पुलिस प्रदर्शनकारियों के पीछे दौड़ रही थी। छलचल सी हुई है यहाँ पर, पुलिस के लोग जो है वो दौड़ रहे हैं आगे की तरफ। हम आपको सड़क पर चलकर बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। और ये पथराव किया जा रहा है यहाँ भी। देखिए, ये पूरी सड़क जो है ये पत्थरों से पट गई है, देखिए लगातार पथराव किया जा रहा है यहाँ पर, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये घरों के अंदर से पत्थर चल रहे हैं। हालात ऐसे बन गए थे कि पुलिस को पीछे हटना ही पड़ा। पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और गोली मारने की चेतावनी भी दी। तो गोली मार दी जाएगी, सबसे अंदर जाओ, खाली करो। इस बीच पुलिस के कब्जे में एक दो प्रदर्शनकारी आए भी। तभी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी। इन तस्वीरों में आप देखिए, एक ट्रॉली को आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पीएसी के एक ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया। देखिए, ये जो आगजनी की तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, आग के लपटे उठते हुए दिख रही हैं, वो नूरुल्ला रोड का बैरियर तिराहा है, यानी जो दंगा यहाँ अटाला चौराहे पर फैला था वो आधा किलोमीटर दूर वहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ सामने हमें प्रदर्शनकारी और पत्थरबाज तो अब नज़र नहीं आ रहे हैं, वो गलियों में छिप गए हैं, लेकिन किसी चीज़ में आग लगाई गई है, चूँकि आगे से पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी आ गए, लेकिन हंगामा और पत्थरबाजी जारी रही। ABP News आपको रखे आगे।